चीन पे तो बेटो शिंजू पे वन शिंजू पे वन। अच्छा सुनम जी, बताइए क्या कुछ मौसमी सूरज हाल आइंदा एक हफ्ते के लिए रहने वाली है, क्योंकि आपकी तरफ से पेशनगोई की गई है कि यकुम से 3 मार्च तक भारी बर्फबारी होने का इम्कान है, तो क्या कुछ मौसमी सूरज हाल है अभी से लेकर? जी बिल्कुल, अभी 1 से लेकर 3 तारीख तक ठीक बारिश, अलबत्ता 29 के शाम से भी बारिश हो का पॉसिबिलिटी है मैदानी इलाकों में, बारिश पहाड़ी इलाकों में बर्फ 29 के रात से 1 और 2 के दरमियान, खास करके 1 और 2 को अच्छी बर्फबारी होने का इम्कान है मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ है। सोनम जी, अगर देखा जाए तो क्या बर्फ जमा होने के कितने इम्कान है, अगर बाला इलाकों की बात करें तो कहाँ तक बर्फ जमा हो सकता है? पहाड़ी इलाकों में 2-3 फुट का चांसेस है, मैदानी इलाकों में 4-5 इंच बर्फ होने का चांसेस है। तो कब तक मजबूती तौर पर जो मौसम है वो खराब रहेगा, और फिर कब मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आएगी बेहतर आएगी, और किस तारीख तक मौसम बेहतर रहेगा? 29 से लेकर 2 तारीख तक मौसम खराब है, 29 से लेकर 3 तारीख तक, और 3 में भी खास करके 2 तारीख तक, तो 4 तारीख से आमतौर पर फिर मौसम ठीक होने का इम्कान है 4 तक। सोनम जी, अगर देखा जाए वादी कश्मीर के बेशतर इलाके अभी है जहां अभी मौसम अबूर आलूद बना हुआ है, तो क्या आइंदा 24 घंटों के लिए बर्फबारी या बारिशों का कोई इम्कान है? पहाड़ी इलाकों में हो सकता है, मैदानी इलाकों में चांसेस कम ही है। तो महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कुछ ताज़ा एडवाइजरी किसानों, बाग मालिकान और जो जम्मू श्रीनगर शहर किसानों को ये है कि 3 तारीख तक आमतौर पर मौसम ठीक नहीं है, बीच बीच में बारिश होने का इम्कान है, पहाड़ी इलाकों पे बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिश, तो 4 तारीख तक आमतौर पर मौसम फिर ठीक रहने का इम्कान है। लेकिन क्योंकि मार्च के महीने में वैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होते हैं, तो बीच बीच में बारिश तो पड़ेंगे, आप कभी बर्फ कभी बारिश हो तो चलता रहेंगे अभी। तो जो जम्मू श्रीनगर शहर या जो दूर दराज इलाके जम्मू श्रीनगर शहर में इनको थोड़ा खास करके 1-2 में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, बाकी आमतौर पर मौसम ठीक है। तो सोनम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।